हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस कुकिंग एंड ब्लॉग। सो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सबसे पहले तो मेरे और मनोज भाई की तरफ से आप सभी को वेरी 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 हैप्पी बसंत पंचमी। तो गाइस, आज हमने इस बसंत पंचमी के जो ये फेस्टिवल पे हमने एक नई डिश ट्राई करी है। आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये है हमारा बसंती हलवा जो हमने आज ट्राई किया है बसंत पंचमी वाले दिन। तो वैसे तो इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बट जिस चीज़ में मेहनत ना हो उसका फल तो मीठा होता ही नहीं है। ये तो मीठा होना चाहिए भाई, हलवा है ना, इसलिए मीठा तो होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। तो गाइस, फिर आप देखते हैं कि जितना स्वादिष्ट दिखने में लग रहा है उतना खाने के बाद है कि नहीं, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो हम इसको खा के देखते हैं। मज़ा आ गया। हलवा जो है बहुत ही स्वादिष्ट है, काफ़ी टेस्टी है। सही कहा था, मेहनत, जिस चीज़ में मेहनत ज़्यादा लगती है उसका फल मीठा होता है। काफ़ी अच्छा बना है। आखिरकार हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई, मतलब पीला कलर का बसंत जो है वो लाई। मज़ा आ गया हलवा खाकर। आप भी घर पर बना कर देंगे, अपनी फैमिली को बुलाएं। आज बसंत पंचमी वाले दिन आप ये बसंती हलवा बना के अपने फैमिली को खिला सकते हैं, उनको भी खुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी जो हमने बसंती हलवा आज बनाया है वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और घंटी बजाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और एक और बात, अगर जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो आगे अगर ऐसी वीडियो देखना चाहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे भी ऐसी मज़ेदार रेसिपी लाते रहेंगे, बस हमें आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो गाइस, फिर मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो, एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी है अच्छे से। तो अब हम हलवा बनाने के लिए सबसे पहले इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। ये गाइस 1 और चम्मच। अब थोड़ा सा घी जो है वो हम बचा लेंगे, आप देख सकते हैं, इसको हम बाद में डालेंगे। अब गाइस, इसके बाद जैसे कि आप घी देख सकते हैं आप पूरा हो चुका है, तो अब इसके बाद हम इसमें सूजी डालेंगे धीरे धीरे। और अब फिर हम इसको इस पलटे के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से घुस सके। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अब ये घी के साथ मिक्स हो गया है। तो अब जब तक ये पूरा अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको धीमे आंच पे भुजने देंगे और हम साथ ही साथ इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से अब ये भुज चुकी है, इसमें जो है ब्राउन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। हमने इसको थोड़ी देर और भूजा था धीमी आंच पे, तो अब आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा इसमें ब्राउन कलर अच्छे से आ चुका है। अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें अब हम पानी डालने जा रहे हैं। गाइस, अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। मैंने इसमें एक पूरा लोटा भर के पानी डाला है, आप इसमें अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और आपको एक जो अभी तक का राज था छुपा हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम ये जो है हम बसंती हलवा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज बसंत है इसलिए थोड़ी देर इसको चला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें अब 1 कटोरी चीनी डालेंगे, आपको जितना मीठा चाहिए वो आप डाल सकते हैं। हमने इसमें 1 कटोरी चीनी डाल दी है पूरी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, अब हमने इसमें पानी और चीनी डाल दी है। अब इसके बाद जो हमारा आज का स्पेशल जो है बसंती हलवा, उसकी एक स्पेशल रेसिपी है, ये है कलर, बसंती कलर। अब इसको हम इसमें डालेंगे। तो गाइस, अब हम इस अपना बसंती कलर डाल चुके हैं और हम अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। आप भी गाइस बसंत के इस त्यौहार पे ये बसंती हलवा बना सकते हैं अपने अपने घर में, इसको ट्राई कर सकते हैं। आज हमने पहली बार ट्राई किया है। जैसे कि अब ये बन के लगभग तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा एंड में फिनिशिंग टच डालने के लिए हम इसमें थोड़े से काजू
बादाम, साथ ही में थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही डालना है, आपको जो भी और मन करे, जो आपको अच्छा लग रहा हो कि इससे और टेस्ट आ सकता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से तीन चीज़ें डाल दी है। काजू बादाम और किशमिश तीनों को मिक्स कर देंगे इसमें, और अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी तरीके से हमारा जो बसंती हलवा है ये बन के तैयार हो चुका है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आशा करता हूँ जैसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इतना अच्छा टेस्ट भी हो इसका। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारा ये बसंती हलवा बन के अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बस एंड में थोड़ा सा और टेस्ट देने के लिए अच्छा हम इसमें थोड़ा सा बचा हुआ घी जो मैंने शुरुआत में बचा लिया था वो अब डालेंगे हम इसमें। इससे क्या है एंड में जो टेस्ट है उसमें थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आने लग जाएगा। घी तो आपको पता है सब अच्छा ही होता है सेहत के लिए भी और टेस्ट के लिए भी।